की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने का मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दो मंत्रियों की कमेटी नरसिंहपुर पहुंची। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव नरसिंहपुर पहुंचे। बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। पीड़ित मृतका के परिजनों से वार्ता कर रहे हैं, संवेदना भी जताई। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं और इस चीज को लेकर संवेदनशील भी कहीं ना कहीं है, लेकिन जिस तरह का ये मामला रहा, आक्रोश खत्म होने का नाम लोगों का नहीं ले रहा। परिवार वालों की लगातार सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलने की मांग है। कल जब अंतिम संस्कार भी पीड़िता का किया गया, बचे हुए टुकड़ों का ही सही, लेकिन पिता की स्थिति उस समय ये हो गई कि चिता में वो कूद गए साथी और झुलस गए। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो मंत्रियों की कमेटी नरसिंहपुर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से सहयोगी नवीन जोशी जुट गए। नवीन, जिस तरह का ये मामला है, आक्रोश और दर्द समय के साथ ही खत्म होगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दो मंत्रियों की कमेटी नरसिंहपुर पहुंची है। तस्वीरें दिखाई, बातचीत हो रही है। नवीन, कोई बात बनी अब तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दो मंत्रियों की कमेटी पहुंची है। साथ में तीसरे मंत्री बीज निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर भी मौके पर मौजूद हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट हैं इस कमेटी में। साथ में जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, वो साथ में है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद में जो मृतका है उसके घर पर पहुंचे तीनों मंत्री। वहां पर जाके शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बातचीत की, उनको ढांढस बंधाया और उसके बाद में जो उसका जो ससुराल है बच्ची का, उस ससुराल पे भी गए हैं। ससुराल पे भी जाकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है और जो एक मुआवजा राशि का लेकर जो बात थी, वो राशि का भी कुछ देर में शायद चेक देने की बात की जा रही है, वो चेक दिया जाएगा। यहाँ पर जो ये नरसिंहपुरा गाँव है, यहाँ पे अभी काफी संख्या में अभी जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठने आए हुए हैं या शोक व्यक्त करने आए हुए हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। और जिस तरह से सरकार की कहना की मनता है, घटना हो चुकी है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता, मगर उस पर किसी न किसी तरह से उस पीड़ित परिवार है जो कि दर्द में डूबा हुआ है, उसको किस तरह से राहत मिले, किस तरह से उसको सांत्वना मिले, इसका प्रयास यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। जय जी, बिल्कुल नवीन, कोशिश लगातार की जा रही है और लोगों के बीच में जब पहुंची स्थिति थी तो वहां की हम समझ सकते हैं कि कितनी गमगीन हो रही होगी। नवीन, परिवार की ओर से जो मांग की जा रही थी और सरकार की ओर से बातचीत के जरिए, ज्यादा उसमें बहुत डिबेट वाली सिचुएशन नहीं रही होगी नवीन, क्योंकि सरकार समझती है, सभी समझते हैं कि परिवार की स्थिति से गुजर रहा है। क्या प्रमुख बातें रही आज, बिंदु क्या रहे और अभी कितनी देर और रुकने का समय बताया जा रहा है? नवीन, देखिए, सीधा सीधा बात यह है जेटी, इस परिवार ने अब तक एक रुपए का मुआवजा नहीं मांगा। जो भी इस परिवार के लिए मांग की, जो भी इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, वो सर्व समाज ने लगी, छत्तीसी कौम की समाज ने मिलकर लड़ाई लड़ी और 53 लाख रुपए का कुछ ऐसा मुआवजे की घोषणा हुई है और सीएम मिडली रिलीफ फंड से भी कुछ 5 लाख की और घोषणा भी, जो जिस तरह से इस प्रतिनिधिमंडल जो मंत्रियों का, तीन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल इस गाँव में पहुंचा है, साथ में कलेक्टर है आशीष मोदी, वो भी पहुंचे हैं और जिस तरह से अभी उन्होंने अनऑफिशियल बात की है कलेक्टर ने आशीष मोदी ने, उन्होंने साफ कहा है कि 5 लाख का मुआवजा और अतिरिक्त मिलने वाला है, तो ऐसा करीब 58 लाख के आसपास का इनको परिवार को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। जो एक चीज आपने उठाई देती कि ये परिवार क्या मांग कर रहा है, ये परिवार कुछ मांग नहीं कर रहा है। वेरी फर्स्ट डे से ये परिवार मांग कर रहा है बस अपराधियों की फांसी, अपराधियों की फांसी। इसके अलावा ये परिवार कुछ नहीं मांग कर रहा है। जो भी इस परिवार को मुआवजा मिल रहा है 58 लाख के आसपास, 53 लाख के आसपास, जो 53 से 58 के बीच में, ये सारा मुआवजा सर्व समाज के आंदोलन की बदौलत मिल रहा है। इसका किसी को क्रेडिट नहीं जाता है, केवल सर्व समाज, छत्तीसी कौम के लोग, जो धरना शुरू हुआ था मैं सुरेश दास जो है। लेकिन नवीन, जब आज पहुंचे होंगे कमेटी की ओर से सदस्य और मंत्री वहां पर, तो उन्होंने पूछा होगा कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है अब तक इस मामले में, अपराधियों को पकड़े जाना, उनके साथ में जो लोग संलिप्त थे उनको पकड़े जाना, उनकी पत्नियों को, उनकी बहनों को, लेकिन परिवार क्या कह रहा है? क्या पुलिस की अब तक की कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट है या कोई बात उसमें परिवार की ओर से उठाई गई अब तक की कार्रवाई को लेकर पुलिस की? देखिए, राजस्व मंत्री और बीज निगम के अध्यक्ष ने जिस तरह से अभी बातचीत की है, तो जो पीड़ित जो मृतका है उसके पिता ने संतोष व्यक्त किया है, तो भी कार्रवाई अब तक हुई है। क्योंकि इस मामले में बता दूं जेती, अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं जिनको डिटेन किया है, मतलब 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 बाल अपचारी जिनको डिटेन किया है, 1 महिला बाल अपचारी है और 1 नाबालिग लड़का है जिसको निरुद्ध किया गया है, उनसे जांच जारी है और भी इस मामले में बताया जा रहा है अभी 2-3 गिरफ्तार और हो सकती है। और रही बात कार्रवाई की, तो जो लापरवाह पुलिसकर्मी थे, सबसे पहले हाथ तो गिरी उस लियाकत अली पे, जो कि डीओ था, एएसआई था, उसको निलंबित किया गया। उसके बाद जो थाना प्रभारी थे खीवराज गुजर, उनके ऊपर गाज गिरी और 2 सिपाही ऐसे हैं जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है।
बिल्कुल नवीन, देखिए गाज तो गिरेगी ही क्योंकि लापरवाही भी इस कदर की हुई है, लेकिन नवीन जब आज वहां पहुंचे होंगे तो सरकार की उस मंशा को भी जाहिर किया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना को संज्ञान में लेते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि वो कोशिश करेंगे भरपूर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाए और बिल्कुल त्वरित कार्रवाई हो, न्याय जल्द से जल्द और मुकद्दस न्याय जो है वो मिल पाए परिवार को। वो बात भी वो पहुंचाई होगी मुख्यमंत्री की, पता होगा उन्हें कि फास्ट ट्रैक में पहुंचने वाला है मामला। बिल्कुल जयती, इस तरह से सबसे पहले धीरज गुजरी इस एरिया के हैं, इसी एरिया में इसे चुनाव लड़ चुके हैं दो बार, तो उन्होंने सबसे पहले जो पीड़िता के मृतका के जो पिता हैं पीड़ित परिवार उनसे परिचय कराया कि ये राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, ये मुख्यमंत्री के बाद में पुलिस का महकमा यही देखते हैं, तो उनका परिचय ही ऐसे कराया और मुख्यमंत्री जी ने इनको स्पेशली रात को निर्देश देके अभी आपके पास भेजा है कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला इनको सही सी जानकारी दो, तो उसके बाद में तपस्या जिसको कह सकते हैं तसल्ली के साथ में पूरी वार्ता हुई है। वार्ता में जो सबसे बड़ी बात है, न तो कुछ डिमांड थी न कुछ बात थी, बस एक शोक व्यक्त करने मुख्यमंत्री की तरफ से दो मंत्री आए थे, उन्होंने शोक व्यक्त किया, उनको जो अब तक जो कार्रवाई हुई उसके बारे में पूछा, उन्होंने एक तरह से जिस तरह से कहा जा सकता है वो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग और ये पूरे समाज की हम सभी की मांग कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और उनके बाद में थोड़ा दुख उनका कम होगा अपनी बेटी को इस तरह से खोने का। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।